कुशीनगर की, जहां पर पुलिस और साइबर की सेल की संयुक्त टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने 7 शातिर साइबर अंतर्राज्यीय ठगों को गिरफ्तार किया है। ठग देश भर में 22 मैचिंग करके लोगों से ठगी किया करते थे। ठगों के पास से 2,10,000 रुपये नकद, 50 फर्जी आधार कार्ड, 95 फर्जी सिम कार्ड, 25 कूट रचित मोहरें, 21 ATM, 4 लैपटॉप, 14 मोबाइल फोन, 1 सफारी कार और 1 पल्सर मोटरसाइकिल भी बरामद हुई है। साइबर ठगों के पास से कुल 40 लाख रुपए का सामान बरामद हुआ है। वहीं पुलिस अधीक्षक ने संयुक्त रूप से पूरी टीम को 25,000 रुपये इनाम देने की घोषणा की है। जनपद कुशीनगर में थाना तमकुहीराज साइबर टीम और सर्विलांस टीम ने एक सराहनीय कार्य करते हुए अंतर्राज्यीय साइबर ठगी के गिरोह का भंडाफोड़ किया है। इसमें कुल 7 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है जो जनपद कुशीनगर के रहने वाले हैं। इसमें जो सलाउद्दीन अंसारी है वो छत्तीसगढ़ के रायपुर से भी वांछित अपराधी रहा है और इसका विस्तृत एक आपराधिक इतिहास है इन सभी का। और इनके पास से 14 एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन, 2,10,000 रुपये नकद, 4 लैपटॉप, 100 के आसपास लगभग फर्जी सिम, 50 फर्जी आधार कार्ड और 21 ATM कार्ड और विभिन्न प्रकार के मुहर और कूट रचित दस्तावेज बरामद किए गए हैं। घटना में प्रयुक्त एक इनके पास से सफारी कार और पल्सर गाड़ी भी बरामद की गई है। इनकी जो मोडस ऑपरेंडी थी वो ये थी कि ये विभिन्न लोगों के जो व्यक्तिगत डाटा थे उसको यूज़ करते हुए सिम का प्रयोग करते थे और फर्जी आधार कार्ड का प्रयोग करते थे और उनसे खातों का निर्माण करते थे। खाता खुलवाकर वो इन खातों में साइबर ठगी के माध्यम से जो पैसा कलेक्ट होता था उसका ट्रांसफ़र कराते थे। इसमें कुछ हिस्सेदारी ये उन व्यक्तियों को भी देते थे जिनके नाम पे खाता खुलवाते थे और शेष रकम भी अपने पास रखते थे। इसके अलावा ये फर्जी तरीके से सिम कार्ड तैयार करा के फर्जी तरीके से वॉइस मैचिंग का भी काम करते थे, जिसके माध्यम से भी इन लोगों ने गलत तरीके से वॉइस मैचिंग कराकर कुछ लोगों से वॉइस ठगी का भी काम करने का कार्य किया है। इनके माध्यम से जो हमें डाटा प्राप्त हुआ है इनके कंप्यूटर लैपटॉप में उसका विश्लेषण चल रहा है। इसके आधार पर कई खातों को अभी हम लोगों ने छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, बिहार और उत्तर प्रदेश में सीज कराने का काम किया है। विस्तृत रूप से इसका विश्लेषण चल रहा है, इसमें आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी। मेरी तरफ से सराहनीय कार्य के लिए पुलिस की टीम को 25,000 रुपये के पुरस्कार की भी घोषणा की गई है।